साथियों, आज ये कांग्रेस वाले दुनिया जहां की बातें करने में लगे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई भी जाननी जरूरी है। भाइयों और बहनों, आज हमारे आसपास आतंकी फैक्ट्रियां चल रही है, जो लोगों को, पूजा पाठ में जुटे लोगों को, घूमने फिरने गए निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। श्रीलंका में क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन कांग्रेस और उसके राग दरबारी कहते हैं कि आतंकवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के लिए जो 10 साल पहले सबसे बड़ा मुद्दा था, वो आज कैसे कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए चर्चा से ही गायब कर दिया है। साथियों, कांग्रेस ने 2009 में उनका जो मैनिफेस्टो, जो ढकोसला पत्र होता है, वो जो ढकोसला पत्र लाई थी, वो ढकोसला पत्र यानी झूठे वायदों का पुलिंदा, देश की जनता को गुमराह करने वाला कांग्रेसी दस्तावेज। भाइयों और बहनों, वो 26/11 के मुंबई के आतंकी हमले के बाद का दौर था, इसलिए 2009 में कांग्रेस ने वादा किया था कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। ये 2009 के उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। इसके बाद के अपने 5 साल के शासन में कांग्रेस ने कैसे जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर दिखाया, ये भी मैं आपको बताता हूं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के दावों के बाद पुणे में धमाका हुआ, कांग्रेस ने उसके बाद चुप्पी साध ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुंबई में धमाका हुआ, फिर कांग्रेस के मुंह पे ताला लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दिल्ली में धमाका हुआ, कांग्रेस फिर एक बार गूंगी बन गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पटना में धमाका हुआ, कांग्रेस को जैसे बिच्छू काट गया। पाकिस्तान ने दुनिया भर में भारत को ही बदनाम किया, पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलता रहा, दुनिया को पाकिस्तान सच लगने लगा, भारत झूठ लगने लगा। फिर भी कांग्रेस सरकार, उनके महामिलावटी साथी सोते रहे, धमाके होते गए, निर्दोष लोगों की जान जाती रही। कांग्रेस वोट बैंक की चिंता करती रही, बर्दाश्त करती रही, अपने ढकोसला पत्र को सामने रखकर वो सोती रही, निर्दोष लोग मरते रहे। साथियों, इसी परिस्थिति में आपने इस चौकीदार को, ২০১৪ में अवसर दिया, आज परिणाम आपके सामने है।
अब कहां गई वो पाकिस्तान की हेकड़ी। आज भारत आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ये फर्क होता है, ये फर्क होता है एक नेक नियत, मजबूत सरकार और वो दिन थे बदनीयत वाली मजबूर सरकार के, जहां 125 करोड़ देशवासी जिंदगी भर कांपते रहते थे, रात दिन बेचैन रहते थे। बच्चा अगर स्कूल गया है तो शाम को जिंदा लौटेगा कि नहीं, ये मां बाप को चिंता रहती थी।